अब नहीं होगा बुलडोजर एक्शन, क्योंकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। देश भर में आरोपियों के खिलाफ होने वाले बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ये मामला, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति आरोपी है तो इस आधार पर बुलडोजर एक्शन नहीं किया जा सकता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा कि अगर कोई दोषी है तो भी इस तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती है। आपको बता दें कि ये जो याचिका है, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से याचिका दाखिल की गई है, और इसमें कहा गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में एक मैसेजिंग देने की कोशिश के रूप में इस तरह की कार्रवाई होती है और विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। इसमें शिकायत यहां तक की गई है कि जो आरोपी पक्ष है उसको अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया जाता, यानी कि जल्दबाजी में इस तरीके की कार्रवाई होती है जिसमें कानून को जांचे परखे बिना एक मैसेज देने की कोशिश के रूप में इस बुलडोजर एक्शन को बताया गया है याचिकाकर्ता की तरफ से। याचिका के अंदर अपने दर्शकों को बता दें कि जो जस्टिस हैं विश्वनाथ और जस्टिस बी आर गवई, उनकी बेंच ने ये अहम टिप्पणी करते हुए सभी पक्षों को सुना और कहा कि 17 सितंबर को हम अगली सुनवाई करेंगे, और ये कहा है कि जितने भी पक्ष हैं अपने अपने सुझाव दें कि आखिरकार इस तरह के बुलडोजर एक्शन पर उनका क्या कहना है, अपनी अपनी ओपिनियन दें और उसी के बाद हम एक गाइडलाइंस पूरे देश के लिए जारी करेंगे। जो महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है वो भी मैं अपने दर्शकों को बता दूँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हम यहाँ अवैध अतिक्रमण के में बात नहीं कर रहे हैं, इस मामले से जुड़ी जो पार्टियां हैं वो सुझाव दें, हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा है कि अगर किसी का बेटा उद्दंडी है तो उसकी सजा उसके पिता को उसकी प्रॉपर्टी को तहस नहस करके नहीं दी जा सकती है। दरअसल ये रेफरेंस जो आया है ये हाल ही में आपको याद होगा अगर राजस्थान में उदयपुर में दो बच्चों के बीच में जो चाकूबाजी हुई थी जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी, उसके बाद वहाँ पर काफ़ी हिंसा फैली थी, आगजनी फैली थी, और उसके बाद जो आरोपी था उस बेटे के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ था। चूँकि बताया गया था कि वन विभाग की ज़मीन पर कब्जा कर अवैध तरीके से उस मकान को बनाया गया था, प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी करने के बाद उस मकान को ध्वस्त किया गया था। इसी पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि किसी का अगर बेटा उद्दंडी है तो उसकी सजा पिता को नहीं दी जा सकती है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई कि उसने अपराध किया है, आरोपी के अवैध कब्जों पर म्युनिसिपल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि 3 महीने के अंदर 3 बड़े बुलडोजर एक्शन हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और इसके साथ साथ राजस्थान के अंदर। आपने मध्य प्रदेश में देखा जहां पर छतरपुर में पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी के खिलाफ बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ था, उसके 20 करोड़ की जो 3 मंजिला कोठी थी उसे ध्वस्त कर दिया गया था, वो भी सिर्फ 24 घंटे के अंदर। इसके साथ साथ यूपी में भी 2 मामले सामने आए थे, मुरादाबाद में जहाँ पर एक विवाहिता के अपहरण की कोशिश के आरोपी के घर को तहस नहस ध्वस्त किया गया था, बुलडोजर एक्शन किया गया था। बरेली में रोटी के विवाद में पीट पीट कर एक शख्स की हत्या तक कर दी गई थी, उसके आरोपी के होटल का मालिक जो बताया जा रहा है उसके होटल को भी ध्वस्त कर दिया गया था। बुलडोजर जो कि न्याय का प्रतीक बन चुका था, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बल्कि हमने हाल ही में 2 सितंबर को भी देखा था किस तरीके से, 2 सितंबर नहीं हाल अलग अगस्त का ही महीना रहा होगा जब आपने देखा कि उदयपुर में 2 बच्चों के बीच में जो चाकूबाजी हुई थी वहाँ पर भी आरोपी के घर को तहस नहस कर दिया गया था, बुलडोजर एक्शन हुआ था। चूँकि बुलडोजर एक न्याय का प्रतीक बन गया था और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई कितना भी बड़ा दोषी क्यों ना हो, आरोपी हो, उसके घर को उसकी प्रॉपर्टी को बुलडोजर एक्शन के तहत ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। 17 सितंबर की यानी कि आने वाली जो अहम डेट है उस पर सुप्रीम कोर्ट आखिरकार क्या अपनी गाइडलाइंस देगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना।